नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी है, तो क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, इसकी जानकारी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर रह सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसे ही आप आएंगे इनकी ऑफिशियल साइट पर, आपको इनके आइकन्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट, अकाउंट, पैसेंजर इन्फो, मीडिया। यहाँ पर आपको कैरियर का सेक्शन मिलेगा, आपको इस कैरियर के सेक्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस टाइप का टैब ओपन होगा, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फुलफिलिंग रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एट देहरादून। आपके जो है एप्लीकेशन 25 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इनकी 13 अगस्त रखी गई है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट रीड करना है तो आपको ये ओपन करना होगा और आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें एडवर्टीजमेंट जो है रीड करना है। ये हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिलिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग। ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये नोटिफिकेशन आपका 23 जुलाई को पब्लिश किया गया है। जैसे ही आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप नेम ऑफ पोस्ट आपकी कौन रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, पे स्केल आपका क्या रहेगा, क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो पहली वैकेंसी जो है अपने काम की, वो है असिस्टेंट मैनेजर टाउन प्लानर की। सैलरी आपकी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। इसमें आपसे बीबीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में। अगर आपने इन ब्रांचों से बीबीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कैंडिडेट्स शुड बी वर्किंग ऑन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट रेलवे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड PSU से। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन के लिए। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आपने बीबीटेक किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिन डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट रेलवे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन PSU इन एडमिन डिपार्टमेंट में। और इस पोस्ट के लिए आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये तक रहने वाली है। बात करते हैं आपकी नेक्स्ट वैकेंसी की। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर SNT की। यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, EEE में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपने इन दी गई हुई ब्रांचों से डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करें आपके पे स्केल की, तो सैलरी आपकी 33,000 से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। और इसके साथ यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। पॉइंट नंबर 4 पे बताया गया है कि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा में प्रोफिशियंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये फॉर्म हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे ही आप आते हैं, यहां देख सकते हैं कि आपको यहां पर आपकी बेसिक जानकारी मांगी गई है, नेम, फ़ोन नंबर, DOB आपकी, ये सब कुछ आपको ट्रूली फिल करना है। फिल करने के बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपके डिग्री हैं, सर्टिफिकेट हैं, आपकी मार्कशीटें हैं, आपका आधार, वो सारा क्या करना है, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और उनके इस एड्रेस पर जो है आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर देनी है। अगर आप कहीं आसपास के हैं तो आप बाय हैंड भी इनके ऑफिस में पहुँचा सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।